हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम रिव्यू कर रहे हैं निसान मैगनाइट का, और ये वाला जो आप वेरिएंट देख रहे हैं ये है एक्सवी वेरिएंट, नॉन टर्बो वेरिएंट। इससे पहले मैंने जो रिव्यू करा था वो था एक्सवी प्रीमियम टर्बो वेरिएंट। आज हम देखेंगे कि इस वेरिएंट में हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका प्राइस बता देता हूँ। इसका प्राइस है 6,68,000 एक्स शोरूम गाजियाबाद। तो इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कितने रुपए में आपको कितनी सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा नियो निसान का, जिन्होंने मुझे कार दी रिव्यू करने के लिए। शोरूम की सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए रिव्यू को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डिज़ाइन के बारे में। सो फ्रंट में हमें हेलोजन हेडलैम्प देखने को मिलेगा हेलोजन इंडिकेटर के साथ, साथ ही में नीचे हमें LED DRL देखने को मिलेंगे, और जो फॉग लैम्प हमें इसमें मिलता है वो LED ही है, और ग्रिल आपको सेम वैसे ही मिलेंगी क्रोम सराउंड के साथ। अगर XV प्रीमियम से कंपेयर करें तो उसमें आपको LED हेडलैम्प देखने को मिलता है और बाकी सारी चीज़ आपको सेम मिलती है। तो फ्रंट में ये वाला आपको चेंज एक देखने को मिलेगा। कार को साइड से देखें तो आपको इतने बड़े कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। इसमें बस आपको ORVM में पडल लैम्प देखने को नहीं मिलता, नहीं तो बिल्कुल ये XV प्रीमियम की तरह देखने में लगती है, सब कुछ सिमिलर है उससे। यहाँ पे आपको फ्यूचरिस्टिक से देखने वाले अलॉय मिलेंगे, ये 16 इंच के हैं और टायर साइज है 195/60। इसमें फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलेंगे, पीछे ड्रम, यहाँ पे आपको निसान मैग्नाइट की बैजिंग मिल जाएगी, और ये है इसका ब्लैक कलर का इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM इंडिकेटर के साथ। डोर हैंडल में आपको क्रोम फिनिश मिलेगा, साथ ही में रिक्वेस्ट सेंसर मिलेगा। पीछे से गाड़ी को देखें तो XV में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है अगर XV प्रीमियम से कंपेयर करें। इसमें बस आपको एक क्रोम लाइनिंग नहीं देखने को मिलेगी, नहीं तो आपको सब कुछ सिमिलर मिलेगा। और टर्बो वेरिएंट में नीचे टर्बो लिखा रहता है, उसकी बैजिंग नहीं है, नहीं तो सभी कुछ इसमें। यहाँ पे आपको पार्किंग सेंसर देखने में मिल जाते हैं, साथ ही में रिवर्स कैमरा भी आपको देखने को मिलता है। अब देखते हैं इसका बूट स्पेस। इसमें आपको 336 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिलता है, और आप बूट स्पेस बढ़ा भी सकते हैं रियर सीट को फोल्ड करके 60-40। और यहाँ पे आपको एक रियर पार्किंग कैमरा देखने को मिल जाता है, साथ ही में आपको इस साइड यहाँ पे लाइट देखने को मिल जाती है हुक के साथ, और इस साइड आपको सिर्फ हुक मिलता है। स्पेयर व्हील आपको इसके नीचे देखने को मिलता है, और जो स्पेयर व्हील है वो 15 इंच का स्मॉल साइज स्टील व्हील आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कॉस्ट कटिंग करी है निसान ने। इसमें एक इशू ये है कि जो इसका लोडिंग लिप है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो सामान निकालने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आपको हो सकती है। फिर आपको इसमें ऑल ब्लैक देखने को मिलेगा। तो चलते हैं अब अंदर इसके। यहाँ पे आपको फैब्रिक अपॉस्ट्री देखने को मिलेगी ऑल ब्लैक। यहाँ पे आप देख सकते हैं आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट। पीछे आपको दोनों ही सीट पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिलेगा। बीच में आपको आर्मरेस्ट और कप होल्डर देखने को मिलेगा। सो अब अंदर चलते हैं। तो अंदर आपको अच्छी खासी स्पेस मिल जाएगी, डिसेंट आपको लेग रूम मिल जाएगा, अंडर थाई सपोर्ट भी सही है, यहाँ पे मैगजीन हो। बीच में इसका ट्रांसमिशन हम बिल्कुल भी नहीं है। पीछे आपको एसी वेंट नहीं देखने को मिलते, XV प्रीमियम में आपको पीछे क्लियर एसी वेंट देखने को मिलते हैं। डैशबोर्ड इसमें आपको डुअल टोन मिलता है, XV प्रीमियम में ब्लैक कलर का आता था, ये डिफरेंट है, बाकी सब कुछ सिमिलर है। यहाँ पे आपको सेम 8 इंच की यहाँ पे डिस्प्ले मिलती है, जिसमें आपको वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले देखने को मिलता है, और इसमें आपको अच्छे खासे फीचर मिल जाते हैं, निसान के कनेक्टेड कार फीचर भी कई सारे मिलते हैं। स्टेयरिंग व्हील आपको टिल्ट फंक्शन के साथ ही मिलेगा, और जो इंटीरियर की क्वालिटी है वो बहुत ही डिसेंट है। यहाँ पे आपको हर जगह हार्ड प्लास्टिक देखने को मिलेगा। इसके जो कंपटीशन है उसमें आपको अच्छी खासी क्वालिटी देखने को मिलती है। इसमें आपको हर जगह स्क्रैची मटेरियल देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हर जगह स्क्रैची मटेरियल है, बहुत ही लो क्वालिटी का है। यहाँ पे ग्लव बॉक्स आपको 10 लीटर का मिलेगा लाइट के साथ, और यहाँ पे आपको स्टार्ट स्टॉप बटन देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे ऐसा कुछ आपको 3D वेलकम फंक्शन देखने को मिलता है। 7 इंच का आपको इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, और ऐसा कुछ दिखता है स्टेयरिंग व्हील, यहाँ पे निसान का लोगो। लेफ्ट साइड में आपको मिलेंगे मल्टीमीडिया के कंट्रोलर, यहाँ पे लाइट के कंट्रोलर, लेफ्ट साइड में आपको वाइपर के कंट्रोलर देखने को मिलेंगे, और जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो बहुत ही कलरफुल आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी लोगों को लग सकता है एक बहुत ही चाइल्डिश लग रहा है, बट इसमें आपको बहुत से ग्राफिक मिलेंगे, और जो इसके विजिबिलिटी है बहुत ही क्रिस्प है, और काफ़ी पढ़ने में बहुत इजी हो रहा है ये। इसमें आपको इल्यूमिनेशन कंट्रोल मिलेगा, फ्यूल इकोनॉमी, फ्यूल हिस्ट्री, ट्रिप मीटर इन्फॉर्मेशन, ग्राफिकल टायर प्रेशर मॉनिटरिंग जैसे कई सारे फीचर देखने में मिल जाते हैं। ड्राइवर साइड पे आपको वैनिटी मिरर देखने में मिलता है, पैसेंजर साइड पे भी आपको वैनिटी मिरर मिलता है, बट लाइट आपको नहीं मिलती दोनों ही साइड। ऊपर के साइड यहाँ पे आपको लाइट के कंट्रोलर मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको हजार्ड लाइट के बटन देखने में मिल जाएंगे, उसी के नीचे आपको क्लाइमेट कंट्रोल के कंट्रोलर मिल जाएंगे, और सभी के यहाँ पे डिस्प्ले आपको देखने में मिलती है, बहुत ही डिफरेंट है, और ये फिजिकल बटन है तो बहुत ही हैंडी है। नीचे आपको फोन रखने की थोड़ी स्पेस मिल जाएगी, यहाँ पे भी थोड़ी स्पेस आपको मिलेगी, 12V का चार्जिंग सॉकेट और USB पोर्ट मिलेगा। यहाँ पे आपको 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा, CVT का भी ऑप्शन है। यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर देखने को मिल जाएंगे, बट
बट एक्सयूवी वेरिएंट में आपको आर्मरेस्ट देखने को नहीं मिलता। इंजन की बात करें तो इसमें आपको 1 लीटर का इंजन मिलेगा जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 71 BHP एंड 96 Nm ऑफ टॉर्क। टर्बो वाला वेरिएंट भी आता है एक्सयूवी वेरिएंट में जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 98.6 BHP एंड 160 Nm ऑफ टॉर्क। अगर आप पावर ज़्यादा चाहते हैं तो आप टर्बो की तरफ जा सकते हैं, वो थोड़ा सा आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा बट इसमें आपको डिसेंट पावर मिल जाती है, पावर लैग फील आपको नहीं होगा, तो आपको अच्छा खासा इसमें इंजन देखने को मिल जाता है। सेफ्टी की बात करें तो इसमें आपको ABS, EBD और 2 एयरबैग देखने को मिलते हैं और सेफ्टी के मामले में इसने एशियन एनकैप में 4 स्टार रेटिंग करी है, तो सेफ्टी में काफ़ी बढ़िया कार है। एक्सयूवी प्रीमियम की बात करें तो उसमें आपको हिल असिस्ट और 360 व्यू डिग्री कैमरे जैसे कई सारे और फीचर मिल जाते हैं, तो अगर आप और सेफ्टी चाहते हैं, थोड़ी और प्रीमियमनेस चाहते हैं तो एक्सयूवी प्रीमियम की तरफ जा सकते हैं, बट आपको वो 2-3 लाख महंगी पड़ेगी। मेरे हिसाब से ये वाला वेरिएंट भी आपको काफ़ी डिसेंट प्राइस में अच्छे खासे फीचर दे रहा है, तो इस पर भी आप जा सकते हैं। एंड इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।